इली ही चाय पीली ही। हम अपना हाथ से बना के ले बनी। ओहो, एक तो मौसम हॉट, ऊपर से चाय हॉट, नॉट कूल। इली ही कोल्ड कॉफी ट्राई करी, पी के बहुत मजा आई। चाय लाओ, तुम लाओ, ले लेते हैं चाय कॉफी। चाय कॉफी साथ में पी, क्या पिए, इसे थोड़े ना मिला यार। ये सब कुछ डाल वाल के तू लोग चाय कॉफी बना दो लोग। पता ना कहाँ से आ गई, पता ना कहाँ से आ गई। वाह बेटा, हमके भी ना पता, चारों ओर खुआ के मारे वाला काम। ना 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 सॉरी ना। मामी तो बहुत बड़का बड़का बात करा तरा लिया है कि पता ना पानी उनी पी ले हाथ के, तो पता ना कहाँ कौन तृप्त हो जाए। चलो ना बाजारे, वहाँ से कुछ खा पी के आवल जाए। हम ना जाबे कहीं बाजारे में, काबा उ धूल मिट्टी और लोगन के भीड़। ये हमरा साथे खेते जाई है, खेत में काबा फ्रेश एयर और हरा भरा माहौल। हम और ई ई हमरा संग है बाजार जई है। कहनी ना हमरा साथे खेत जई है, बोलनी नहीं बाजार जई है, बोले बानी ना तारा से खेत जई है, संग है बाजार जई है, कहनी ना बाजार जई है। तू लोग एक काम कर, तू लोग आपस में फरिया ला पहले बैठ के, ठीक बा। हैं आई जो हम कपड़ा गंदा भइल बा दो तानी हम जाके। अरे रुके तो, रोज 1000-1200 रुपया खर्चा हो ही जा रहल बा। का करे, मोट माल खाती तो छोट माल के खर्चा करे के पड़ेला ना। तोहार भतीजिया के गुडुआ पे कुछ प्रभाव पड़ रहल बा। अरे वो तो बहुत लल्लो चप्पो में लागल बिया, बाकी कंपटीशन बहुत तगड़ा बा। अब इतना आदर सत्कार तो कर ही रहल बानी, बाकी गुडुआ के गाड़ी केने पार्क होई थाहे नहीं खेलागत। रौरा चिंता मत करे, कहीं और पार्क ना होके देब, हम अपन पूरा बुद्धि लगा देले बानी। तो बड़का भैया के का पोजीशन बा हो? अरे वो तो खानी बिखानी के सामान लावत अरे घर में, पैसा तो उभिछत अरे। एगो बात कहीं कहीं, ये गुडुआ केकरा के जमीन दी या केकरा के ना दी अभी तक क्लियर नहीं खे भई। ओकरा पे पैसा खर्चा हो रहल बा। सोचे तनी एक बार दीदिया से जाके डायरेक्ट बात कर लेवा तनी, दीदिया अगर हाँ कर देली नू तो जमीन हमरा हाथ से ना जाए, हमने दो हिस्सा के मालिक बन जाए। कैसा लगल हमर आइडिया? सुपर, बड़कू दोनों जना के ना एही में उजराए रह दी, और वह आज के आज जाए दीदी के पास सब मामला फिट करके आई। अरे ए जी, यहाँ सारा प्लानिंग हेल होवे की तैयारी में बा, और रउआ आइजा आराम फरवा रहल बानी, जल्दी से रउआ कपड़ा पहन के तैयार हो जाई। अरे ठीक बा, काहे तूफान मचल बड़ू, का भइली कपड़ा पड़ा काहे लेके आइल बा? अरे हम अपना आँख से देख और कान से सुन के आइल बानी कि छोटकू दीदिया के लगे जाए के प्लानिंग करता, एकरे पहले कि ऊ दीदिया के लगे पहुँच जास रउआ के ओइजा पहुँच जाए के बा। उठी जल्दी उठी बहनी। हाँ हाँ समझ गईनी, लेकिन आखिर दीदिया के यहाँ का कर जाए के बा? एक हाली दीदी ना जमीन रउआ के खातिर हाँ बोल देस ना तो बस काम खत्म। ससुरा ये बात तो हमारा दिमागे में ना आई, लेकिन इमली घोटाई में दीदी क्या नहीं की गई तो अभी जानते का सोचिए। उनकरा के जे सोचे के बाद सोचे दी, रउआ पहले कपड़ा लत्ता मिठाई लेके वही जा पहुँच जाए छोटकू के जाए से पहले। अरे बैठा का दिमाग लगौलू है, चिंता मत करो, जमीन तो तेरे ही नाम में लिखाई। पर ओकरे पहले रउआ वही जा पहुँच तो जाए। तू चिंता मत करो, हम भोरे ही पहुँच जाए, अब देखा हमार खेल। जितना साड़ी हम लेके आई बहनी ना दीदिया, सब तोहरे पसंद के रंग बा, लाल पीला हरियर सब तोहरे पसंद के रंग। पहले ही पहुंच गए दीदिया। आओ आओ तू हो आ जा। आज तो बिना बुलैले ही दोनों भाई आ गए। गोड़ा तनी है दुकान के सबसे महंगा साड़ी तो रखा ले आई बनी। का फायदा जब मौका पर ना आई। अब देख दीदिया, भैया के बारे में तो हमरा के कुछ नहीं के पता, लेकिन हाँ इमली घोटाई के दिन हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में बड़ा बुरा तरीका से फसल रहनी हो। अच्छा मतलब तू ही कहे के चाहता रहो कि हम जानबूझ के दीदिया के यहाँ ना आए। अब दीदिया
तू ही बताओ, हम भैया के बारे में कुछ कहनी हो? यह न कहनी हो कि हमरा के भैया के बारे में कुछ नहीं के पता? ना ना ना, तू तो कुछ कहता नहीं खा। तारा जैसन मासूम तो दुनिया में पैदा नहीं खेता। भैया के बारे में कुछ नहीं खे पता, आ डायरेक्ट भैया पे इल्जाम लगा होता। वैसे दीदिया के पता बा कि के दीदिया से स्नेह करेला के ना? बंद करो बकवास लोग। ई तो हम अच्छी तरह जानत हैं कि हमार भाई लोग बिना मतलब हमरे द्वारे झांके भी ना आए। बतावा का बात बा? दीदिया थोड़ा सोच। अब ई बात तो सच बानी, हम ही दोनों न तहार भाई बानी जा। अब दू गो भाई के रहते हुए कोई तीसरा बीच में आके बैठ जाए तब बुरा ना लगी? हाँ ई तो बा। का मतलब? जरा साफ साफ बोला। अब साफ साफ का बतावे के बाद दीदिया, वो गुडुआ वो ऐजा जमीन खातिर गहकी खो जाता। अब हम दोनों भाई के रहते हुए वो गुडुआ केहू बाहरी के लगे जाए तो ये ठीक बात बा। हमारा कहे के मतलब ये रहे कि जौन पैसा वो बाहर वाला आदमी से ली, वो पैसा हमरा से भी तो ले सकता। अच्छा है, हमरा से? तभी ना हम कहते ही कि हमार भाई दोनों बिना मतलब ऐसा आ ही ना सकेला। बाकी तू दोनों के हम अपने जीवन से वही दिन निकाल देनी जोन दिन तू दोनों हमरे घरे इमली घोटाई में ना आईला। और ना तो अब हमार कोनो भाई है और ना कोनो रिश्तेदारी। और गुडुआ वहाँ का कर रहा था उससे हमके कोनो मतलब ना। अब तू दोनों जानी के जोन समझ में आवे वो करा, और गुडुआ के ओइजा जोन समझ में आवे वो करी। चला उठा निकला ईजा से। और हाँ, ना हमरा के जमीन चाहिए और ना कोनो हिस्सा चाहिए। चला निकला निकला ईजा से। अपन सब सामान उठावा और जाए जैसे। और एक बात याद रखिया, आज के बाद हमरे द्वारे पे कदम मत रखिया। चला उठावा और निकला यहाँ से। अच्छा तो दीदी ऐसे कहानी है, जब दीदिया के जमीन में हिस्सा ना चाहे तो एकर मतलब ये ना भइल कि गुडुआ के हाथ में कुछ नहीं खे। मतलब गुडुआ के जमीन बेचे के कोनो अधिकार नहीं खे? हाँ, कोनो अधिकार ना। फिर अब होई खेला। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।